सभी को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों टाइटल और थंबनेल देख के वीडियो खोला है तो मैं बता दूं, आज आपको मैं बताने वाला हूं जिला स्टेडियम सीकर जयपुर यारों की भर्ती होने वाली ट्रैक कितने मीटर का है। तो ट्रैक के बारे में पूरा विवरण कराऊंगा। बहुत से कैंडिडेटों की शिकायत आ रही है कि 400 मीटर से ज्यादा का ट्रैक है। पूरा फर्स्ट ट्रैक पे जो बंदा दौड़ता है वहां से प्रूफ के साथ ऐप के जरिए, कौन सा ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड करके, आप जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हो उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप भी अपनी जहां प्रैक्टिस करें, बहुत से डिफेंसों में बहुत अच्छी जगह कुछ बंदे क्या होते हैं 380 390 385 मीटर पे ट्रैक पे दौड़ते हैं और 440 450 का टाइमिंग देके अपने आप में और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और भर्ती में जाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये रीजन अपना क्लियर करने के लिए मैं जो ऐप बता रहा हूँ और जो जिला स्टेडियम जयपुर एरो की भर्ती होने, बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि 400 मीटर से ज्यादा का ट्रैक है। भाई कुछ भी नहीं, 400 आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहे, आप खुद मानोगी हाँ वास्तव में 400 मीटर का ट्रैक है। और जो ऐप बता रहा हूँ उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, और जो जिला स्टेडियम में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं एक बार फिर से आप अपने ही फोन से नाप के देखिए कि वास्तव में हाँ 400 मीटर का है या 400 मीटर से ज्यादा का ट्रैक है, क्योंकि मैंने खुद ने पूरा निकाला फिर निचोड़ फिर आपको वीडियो के जरिए बता रहा हूँ। बहुत से कैंडिडेट बहुत पागल नहीं है कि आपको 400 मीटर से कम और ज्यादा, न तो ज्यादा होगा न कम होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर दिखाऊंगा आपको, इधर आओ, इधर जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से लेकर आपको पूरा रूबरू कराऊंगा। इधर नजदीक ले क्या, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा नजदीक। अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट करूंगा, पूरा ऐप के जरिए पूरा गोल चक्कर देखना आप, 400 मीटर का आया 400 मीटर के ज्यादा का, पूरा 408 कुछ मीटर का आएगा। कंप्लीट वीडियो को वॉच करोगे तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आएगा। जो ऐप बता रहा हूँ एरिया फील्ड मेजरमेंट का, एरिया का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना और अपना जो जहाँ पे ट्रैक है, बहुत से डिफेंसों में बहुत से बच्चों के शिकायत रहते हैं 380 385 मीटर के ट्रैक पे दौड़ते हैं और अपना टाइमिंग 450 440 देते हैं और भर्ती में जाके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये रीजन अपना क्लियर करने के लिए अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो जो फर्स्ट 400 मीटर का ट्रैक हो ना पी, अब बहम में मत रहिए। तो जिला स्टेडियम में होने वाली सीकर भर्ती की कोई भी अपडेट जाननी हो तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए आगे और जो ट्रैक का विवरण है 400 मीटर का वो देखिए। तो नेक्स्ट, तो दोस्तों मैंने ऐप खोली है, ऐप खोलने के बाद में आपको इस फोन मोबाइल में दिखाई दे रहा है ऊपर 0.98 कुछ दिखाई दे रहा है। ये पोच खोलने पे थोड़ी सी मैंने थोड़ा जल्दी चालू कर लिया तो इसमें आता है, वरना 0.0 आता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे स्टेडियम पूरा दिखाई दे रहा है जहाँ पॉइंट पे खड़ा हूँ और इधर खड़ा है, इधर ही आप देख सकते हो जिला स्टेडियम। अब जहाँ पे मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ मैंने लाइन खींच दी है, यहीं आके फिनिश करूंगा। जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है इस पट्टी से बस 1 से 1.5 फुट इधर 2 फीट मान लो कि फर्स्ट बंदा दौड़े वहां तक मैं कंप्लीट वॉच करूंगा। ये पीछे देख सकते हो आप, ये पट्टी है 25 पट्टी से जस्ट मैं इधर यहाँ खड़ा हूँ, देख लो पट्टी के जस्ट एकदम जहाँ फर्स्ट बंदा दौड़ता है वहाँ, ठीक है। ये अपना है अभी, ये वही है, तो इसको आप देखना जैसे जैसे आयूँ मैं यहीं आके कंप्लीट करूँगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है, देखना भाई बीच में कुछ नहीं है, आराम से जहाँ पे मतलब फर्स्ट बंदा दौड़ता है पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो बस इस ऐप की ये है, आपको लाइनिंग भी दिखाई देगी पूरी जो फर्स्ट बंदा ट्रैक पे दौड़ता है कि कितने मीटर का पड़ता है। ये पट्टी है, इससे आपको 1 से 1.5 फुट इधर दौड़ना ही पड़ेगा। इस स्टेडियम में मेरी भी भर्ती देखी हुई भाई विथ एक्सीडेंट के साथ, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट रहता है कि क्या कितने मीटर का क्या प्रोसेस है भाई। तो मैं हम खुद बोलते हैं वीडियो में थोड़ा भाई हार्ड पड़ता है ग्राउंड, तो किस कारण से पड़ता है क्या पड़ता है वो मेजरमेंट के अनुसार आपको पता लग जाएगा। पूरा देख के दे धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप जा रहा आगे, आपको मीटर में चेंजमेंट आता नजर आ रहा है। तो 50 मीटर की दूरी करते हैं, सबसे पहले आता है घुमाव जिसमें ये रहता है भाई, देख लो, देख 50 मीटर 55 मीटर की दूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट बंदा चलता है वहाँ से, ये है 1 से 1.5 फुट की दूरी है जहाँ से पट्टी दिखाई दे रही है आपको, पट्टी दिखाई दे रही है उससे मतलब फर्स्ट बंदा ट्रैक पे दौड़ता है। वो ग्राउंड की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है भाई, फिर भी मैं चाहता हूँ कि पूरा मतलब आपको हो सके तो मैं कीचड़ के अंदर से कैसे भी करके चल के आपको दिखाऊँ पूरा, ठीक है। ये देखो भाई हालत देख लो ग्राउंड की आप, ये देख लो आप प्रेजेंट में बारिश के कारण हालत देख लो भाई साहब, जहाँ पे मैं चलूंगा वहाँ पे से उधर से ही आएगा ही, ठीक है। तो भाई कितने मीटर का पड़ेगा बस मेन वही जानना है अपुन को, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट बंदा दौड़ेगा वहाँ पे चल रहा हूँ मैं, थोड़ा बस के बारिश के कारण ये रास्ता खराब हो रखा है, फिर भी मैं चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई। बारिश के कारण खराब हो रखा है फिर भी आपके लिए मैं पूरा आगे बढ़ता रहूँगा और करता रहूँगा भाई साहब, क्योंकि वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा कीचड़ भी हो रखा है फिर भी मैं पानी में चलना स्टार्ट कर दिया हूँ, आप देख सकते हो
परंतु मापदंड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के डाउट है ये कि कितने मीटर का पड़ता है ट्रैक। भाई कुछ बच्चे दौड़ भी रहे हैं, आपको दिखा दूं, ये देखो ये पूरा ट्रैक है, तो पूरा आप इसके अंदर देखते जाइए भाई, पानी है, पानी के अंदर थोड़ा चलने में दिक्कत आ रही है भाई साहब। बाकी ग्राउंड एक नंबर का है, फर्स्ट बंदे आप जहाँ भी प्रैक्टिस करते हो, कुछ एक बंदे के क्या समस्या रहती है, समस्या ये रहती है कि सर हम प्रैक्टिस तो करते हैं, हमारा इतने मीटर का आता है, ये आता है, तो वो आप जैसे मैं ऐप में बता रहा हूँ वैसे इस ऐप के ज़रिए आप अपने मोबाइल से नाप सकते हैं। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। एरिया फील्ड एरिया मेजरमेंट जो पटवारी वगैरह होते हैं वो भी इनको यूज़ करते हैं, जो यहाँ तक मैं अभी आप देख सकते हो 160 मीटर हो चुका है भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे फर्स्ट बंदा दौड़ता है वहाँ से लेकर चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है 200 मीटर होने वाला है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो सीढ़ियाँ हैं, ये 200 मीटर का दूरी तय करने वाला है भाई, आप देख सकते हो भाई, ये आप सामने देख सकते हो स्टेडियम। अब ये बंदों का रहता है, डाउट भी रहता है, बहुत सारे रहते हैं कि सर 200 मीटर का है कि या फिर 200 मीटर कितनी पे जाता है, 400 मीटर से ज़्यादा का है, तो आप बस इस ऐप के ज़रिए माप सकते हो। मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें आपको लाइनिंग भी चलती हुई दिखाई दे रही होगी स्टेडियम की, थोड़ा धूप होने के कारण थोड़ा सा इश्यू आ रहा है दिखने के अंदर, बाकी आपको मीटर दिखाई दे रहा होगा भाई, 212 हो गए हैं, ठीक है। कंप्लीट में जैसे जैसे चल रहा हूँ वैसे वैसे आप देखिए, बस यही मेरे को प्रूफ करके दिखाना था कि आप लोग इसे जहाँ पे चल रहे हो, प्रूफ के साथ चल रहा हूँ, आपको मैं दिखा दूंगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको 0-0 दिखाया था, बाकी मोबाइल मेरे हाथ में है, स्टेडियम पूरा कंप्लीट चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। स्टेडियम की जो रेखा है वो पूरी बन रही है इसके अंदर भाई, कितने मीटर का आता है भाई, 250 के समथिंग आ गए हैं, जहाँ पे फर्स्ट बंदा दौड़ता है वहाँ तक कितने मीटर का पड़ता है वो देखना है, कुछ नहीं बस देखिए भाई। ये आ गया अपना अगले वाला घुमाव, जो आगे का घुमाव आता है भाई वो घुमाव आ गया है, जहाँ पे लास्ट 200 मीटर बचती है, ये भी देख सकते हो भाई, धूप होने के कारण से थोड़ा सा दिखने में इश्यू आ रहा है, परंतु मैं आपको मीटर पूरा लास्ट में दिखा दूंगा, कंप्लीट दिखा रहा हूँ, मैंने चला रखा है भाई, कोई फर्जी कुछ नहीं है, आप ही अपने मोबाइल से कर सकते हो, डाउनलोड करके चेक कर सकते हो जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो ट्रैक की कंडीशन बताऊँ तो भर्ती के लिए बेस्ट है एकदम, थोड़ा बहुत मापदंड एकदम थोड़ा बहुत रिकवरी किया जाएगा, बाकी कुछ नहीं, एकदम बेस्ट एंड बेस्ट ट्रैक है, ठीक है। ये लास्ट का घुमाव बचता है, तो अपना 307-308 का हो गया भाई, अभी देखते हैं कितने मीटर का हो रहा है। कंप्लीट देखते रहिए भाई, ठीक है। और ट्रैक के बारे में बताऊं तो भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट आए तो चैनल पे जाके विजिट कीजिए भाई, बहुत सारे कैंडिडेट है जिनकी समस्या आ रही है, सर ये मतलब विजिट कर रहे हैं कि सर ट्रैक के बारे में बताओ, हार्ड बता रहे हैं, टाइमिंग ज़्यादा क्यों आता है, तो भाई इस ग्राउंड की थोड़ी सी चढ़ाई पड़ती है, जहाँ पे आप होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे टाइमिंग देते हो थोड़ा सा तो आपका टाइमिंग ज़्यादा आता है, अगर आपका 5 मिनट आ रहा है तो यहाँ नहीं, पर आपका 10-15 आपका टाइमिंग आएगा, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कितने मीटर का ट्रैक है, मैं खुद नहीं करना चाहता कि आपको ये मेजरमेंट चल रहा है, ये खुद बताएगा आपको, अभी अपनी दूरी आने वाली है जहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट किया था, ठीक है। बहुत सारे को सवाल है कि कितने मीटर का है, सारे बोलते हैं इसे वैसे, वैसे तो मैं 400 मीटर का ट्रैक को पैरों से नाप के बता देता हूँ कि कितने मीटर का है, परंतु आपको प्रूफ करके दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो भाई यहाँ पर फर्स्ट बंदा जोड़ता है ट्रैक पर वो कितने का पड़ता है देख लेना भाई, पूरा पूरा आपके सामने आएगा, ये लो भाई 408 मीटर का पड़ा है भाई, जहाँ पे फर्स्ट बंदा दौड़ से दो एक से फर्स्ट बंदा जब फर्स्ट बंदा दौड़ता है पूरा ट्रैक एकदम सही है, एक्यूरेट है, कोई इश्यू नहीं है भाई, 408 मीटर का आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, आप इसी ऐप से 407 मीटर का 8 मीटर का पड़ा है ट्रैक, कोई इशू नहीं, 400 मीटर का ट्रैक, आप जहाँ भी प्रैक्टिस करो, अगर आपको ये ट्रैक दिखाई दे रहा है इसके अंदर पूरी हरी पट्टी छप गई है भाई, ठीक है। या आपको ऐसे लग रहा है पूरा मैं अंदर से फर्स्ट बंदा दौड़ से उधर से चल के आया हूँ पूरा, ये आपको स्टेडियम दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो ये मैंने जहाँ पे खड़ा था
वहीं वो लाइन है, वहीं लाइन पे वापस आ गया हूँ। बीच में पानी में से चला था आपको पता है। तो भाई जो भी तैयारी कर रहा उनको बता दूँ ये ग्राउंड का विवरण मैंने करवा दिया आपको। अब बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस 400 मीटर गया तो फर्स्ट बंदा यहाँ दौड़ रहे तो थोड़ा सा बाहर की साइड दौड़ोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान है, बाकी आज की वीडियो में बताना चाहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत। Yeah!